किसी का भाई किसी की जान। दोस्तों इस फिल्म से एक और गाना आउट हो चुका है, चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों गाने का नाम है बत्थू कम्मा। जी हाँ, फिलहाल ये गाना तेलुगु और हिंदी में मिक्स है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इस गाने का म्यूजिक है और जिस तरीके से इसको गाया गया है वो इतना ज्यादा प्यारा साउंड कर रहा है दोस्तों कि लिरिक्स की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा धुन की तरफ। लिरिक्स आपको समझ आए चाहे ना आए, अभी यहाँ पे इस गाने को किसी एक या दो लोगों ने नहीं गाया है दोस्तों, एक पूरी टीम ने इस गाने को गाया है। सबसे पहले तो जो हिंदी लिरिक्स है इस गाने के वो शबीर अहमद और रवि बसरूर ने लिखे हैं, तेलुगु लिरिक्स लिखे हैं किन्नल राज और हरिणी इवातुरु। जी हाँ, इन्होंने तेलुगु लिरिक्स लिखे हैं। उसके बाद सिंगर जो लीड वोकल है वो संतोष वेंगी का है। उसके बाद जो फीमेल लीड है वो आयरा उदुपी हरिणी इवतारू और साथ ही साथ सुचेता बसरूर विजया लक्ष्मी, आप देखो कितने सारे लोगों ने, एक बहुत बड़ी टीम ने इस गाने को गाया है। मेल कोरस अलग से लोगों ने किया है, फीमेल कोरस में अलग से लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है दोस्तों, बहुत बड़ी, बहुत सारे नाम हैं। और जो ये फोक वोकल आपको सुनने को मिलेगा वो चुंची नागवा ने दिया है और इतने प्यारे तरीके से इस गाने को बनाया गया है, वैसे ही इस गाने को फिल्माया भी गया है। आपको पूजा हेगड़े का एक बहुत ही प्यारा सा एंड ट्रेडिशनल सा साउथ इंडियन डांस इसमें देखने को मिलेगा और साउथ इंडियन आउटफिट के साथ ही एक पूजा हो रही है दोस्तों। वो पूजा फिलहाल क्या है वो तो नहीं कह सकते क्योंकि आप सभी जानते हैं साउथ इंडियन कल्चर थोड़ा सा अलग है तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लोग जो है एक किस्म से देखा जाए तो अपने भगवान को बहुत मानते हैं और उसी तरीके से एक पूजा हो रही है जिसे पूरे रीति रिवाज से किया जा रहा है। यहाँ पे गाया जा रहा है कुछ अच्छा सा तेलुगु में, साथ ही साथ यहाँ पे पूजा हेगड़े का डांस चल रहा है और तभी भाईजान की एंट्री होती है अपनी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ पे सिद्धार्थ निगम है, पलक तिवारी हैं, जस्सी गिल हैं, राघव जुयाल हैं, शहनाज गिल हैं, जी हाँ इन सबके साथ जो है सलमान खान की एंट्री होती है। तो ये गाना एक किस्म से लाजवाब है। ये जो छोटी छोटी झलकियां गानों के थ्रू हमें देखने को मिल रही है ना, ये बयां करती है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट रहने वाली है या फिर ब्लॉकबस्टर भी हम कह सकते हैं दोस्तों। फिलहाल दिल्ली दूर नहीं, बहुत जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है, तो कितना इंतजार है कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।